पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NSC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTech, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला 9 बजे, 9534338689, 7856914231, 6206224713। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों के साथ। बिहार में मंत्री कपिल देव कामत की कोरोना संक्रमण से निधन, CM नीतीश ने जताया शोक। बिहार की नीतीश सरकार में पंचायती राज मंत्री व जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता कपिल देव कामत का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। पटना के अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। वे करीब एक सप्ताह से एम्स में भर्ती थे, 2 दिनों से उनकी स्थिति बेहद खराब थी। कपिल देव कामत के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई अन्य नेताओं व अन्य लोगों ने शोक व्यक्त किया। समस्तीपुर में जांच केंद्र से इंटरमीडिएट की 80,000 उत्तर पुस्तिका गायब, शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। घोसलैन के बंद क्लासरूम से इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिका गायब होने का मामला सामने आया है। इस घटना की पुष्टि करते हुए जिला पदाधिकारी विजेंद्र नारायण ने BEO को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। इस घटना से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बालिका उच्च विद्यालय घोसलैंड को केंद्र बनाते हुए स्क्रूटनी के लिए करीब 80,000 उत्तर पुस्तिका भेजी थी। पुलिस व CRPF जवानों के हत्थे चढ़ा 2 हार्डकोर नक्सली, मकनपुर थाना क्षेत्र के जंगली इलाके से दोनों हुए गिरफ्तार। बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस और CRPF के जवान पूरी मुस्तैदी दिखा रहे हैं। शहर व आसपास के इलाके में सघनता के साथ जांच की जा रही है। इसी प्रकार किसी संदिग्ध गतिविधि को देखते ही कार्रवाई करने में नहीं चूक रहे। क्षेत्र में लगातार ऑपरेशन चलाकर अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। इसी क्रम में औरंगाबाद के मकनपुर थाना क्षेत्र के 2 नक्सलियों को दबोच लिया गया है। साइबर अपराधी समझकर रात भर दवा व्यवसायी को पुलिस ने किया टॉर्चर। करे कोई भरे कोई, ये कहावत गोपालगंज के एक दवा व्यवसायी पर पूरी तरह से चरितार्थ हो गया है। जिले की मांझागढ़ की पुलिस गई थी एक साइबर अपराधी को पकड़ने के लिए, लेकिन उसकी जगह एक दवा व्यवसायी को ही अपराधी समझकर रात भर उन्होंने टॉर्चर किया। सुपौल में 2 ट्रकों के बीच हुई टक्कर, स्टीयरिंग में फंसा ड्राइवर, घंटों मशक्कत के बाद बची जान। बिहार के सुपौल जिले में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्ग 57 स्थित गढ़िया गांव के समीप हाईवे पर खड़ी ट्रक में पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर में दोनों ट्रक आपस में फंस गए। वहीं स्टीयरिंग में ड्राइवर फंस गया था, जिसको घंटों मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया है। गया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे PM मोदी, NDA के सभी प्रत्याशी रहेंगे मौजूद। 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया के गांधी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में होने वाले मतदान को लेकर PM मोदी को चुनावी जनसभा करने की अनुमति मिल गई। JDU की बड़ी कार्यवाही, विधायक रवि ज्योति समेत 4 नेताओं को पार्टी से निकाला। JDU में बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी लाइन के खिलाफ काम कर रहे 4 पार्टी नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह ने यह कार्रवाई की है। बिहार में मिले कोरोना के 1062 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 201,887। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी करते हुए अपडेट के मुताबिक बिहार में 1062 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 201,887 हो गई है। बिहार में फिलहाल 12,112 कोरोना के एक्टिव मरीज मिले हैं।
पीएम मोदी ने बिहार के विकास के लिए 1,25,000 करोड़ से अधिक का दिया पैकेज। तेजी से हो रहा बदलाव। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 2015 में पीएम मोदी बिहार के लिए 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिए थे। पीएम ने केवल 1,25,000 करोड़ रुपए ही नहीं बल्कि इसके ऊपर भी 40,000 करोड़ का पैकेज बिहार के विकास के लिए दिया है। कोरोना के कारण पूरी दुनिया संकट में आ गया है। लॉकडाउन लगाए या अर्थव्यवस्था संभाले, दूसरे देश में इस पर असमंजस था। ऐसे में पीएम मोदी ने बोल्ड निर्णय लेते हुए लॉकडाउन लगाया और देश में स्वास्थ्य संसाधनों को मजबूत किया तथा देशवासियों का जीवन सुरक्षित किया। गया सांसद की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, नड्डा की रैली में हुए थे शरीक। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कई नेता चुनावी प्रचार में जुटे हैं। इस बीच गया सांसद विजय मांझी भी चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई। जब जांच कराया तो वह कोरोना पॉजिटिव निकले। उसके बाद हड़कंप मच गया क्योंकि वह सैकड़ों लोगों के संपर्क में आ चुके थे।